नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। आज बात करेंगे उन्नाव पर। हालांकि उन्नाव जो जिला है वो देश भर में पहले भी मशहूर हो चुका है। उन्नाव का रेप कांड सभी को याद है, लेकिन आज उन्नाव जिला एक बार फिर से देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वो क्यों? आज इस टॉक शो में उसी पर चर्चा हम करेंगे, क्योंकि उन्नाव में 3 जो मासूम थी वो खेत में मिली, बंधी हुई थी, हाथ पैर उनके बंधे हुए थे और उनके मुंह से झाग निकल रहा था, ऐसा परिजनों का कहना है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, क्योंकि 2 जो नाबालिग थे उनकी मौत हो चुकी है और एक की हालत बेहद गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है जहरीले पदार्थ की। ये जहरीला पदार्थ उन्होंने खुद खाया है या किसी ने दिया है या कोई साजिश है, ऐसे तमाम सवाल हैं जो आम जनता जानना चाहती है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है, जवाब नहीं मिल पाया है। पारुल, महिलाओं की सुरक्षा की बात लगातार हम करते हैं और ये तो मासूम बच्चियां थी, नाबालिग थी, कोई 12 साल की, कोई 14 साल की, कोई 16 साल की। जहरीला पदार्थ की पुष्टि हुई है पोस्टमार्टम में। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी साजिश है, या फिर परिवार वालों ने ही हत्या की है, या फिर उन्होंने खुद जहरीला पदार्थ खाया? ऐसे तमाम सवाल हैं जो आम जनता पूछ रही है। और पारुल, ये भी जानना जरूरी है कि आखिर परिवार वाले अलग अलग तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कोई परिवार वाला किसी सदस्य से पूछा गया तो उनका बयान कुछ और था, जब किसी और से पूछा गया तो उनका बयान कुछ और था। पुलिस ने भी हत्या का मामला दर्ज कर लिया है परिवार वालों के कहने पर। बिल्कुल काजोल, देखिए परिवार वाले अलग तरह का बयान क्यों दे रहे हैं ये तो नहीं पता अभी, क्योंकि लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आई है, हालांकि बयान जो है बार बार परिवार के बदले जा रहे हैं। अब ये साजिश है, हत्या है या आत्महत्या, ये तो अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि एक पॉइंट पे, एक सॉल्यूशन पे, एक रिजल्ट पे पहुंचना वो बहुत जल्दी होगी। तो देखिए जिस तरह से अभी ये पता चला है कि जहरीला पदार्थ जो है उन लड़कियों के शरीर के अंदर था, हालांकि अब उन्होंने खुद खाया है या फिर उन्हें खिलाया गया, इसकी जाँच जो है वो अभी भी जारी है और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा इसका, तब पता चलेगा कि जहरीला पदार्थ जो था वो उन लड़कियों को खिलाया गया था या उन्होंने खुद अपनी मर्जी से खाया था। लेकिन देखिए इससे कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं, महिला सुरक्षा को लेकर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। हालांकि काजोल, अभी हम 3 से 4 दिन पहले यही बात कर रहे थे, यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर 1090 स्कीम जो है वो सरकार ने लॉन्च की थी। तो देखिए कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करती है, महिलाओं को सुरक्षा, महिला सुरक्षा के लेकर तमाम जो दावे हैं, वादे हैं, वो पूरे करती है और तमाम चीजें करती है, महिला सुरक्षा को लेकर एक्शन लेती है। लेकिन इस तरह से, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी उससे हम क्या समझें कि महिला सुरक्षा जो है वो चरमरा गई है? क्या प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता या फिर क्यों इस तरह की घटनाएं आती हैं? लेकिन पारो, इस पूरे मामले को समझने की जरूरत है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हालांकि राजनीति इस पूरे मामले में शुरू हो गई है और हमेशा से होती ही रही है। जैसे ही इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा, तमाम विपक्षी दल जो है वो योगी सरकार को कटघरे में खड़े करके सवाल पूछ रहे हैं। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो अनुसूचित आयोग है उसने यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को एक नोटिस भेजा है और जवाब देने के लिए कहा है। साथ ही साथ ये बभोरा जो गाँव है, यहाँ पर इसे पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। तनाव की स्थिति है, तनाव की स्थिति आखिर क्यों है? तनाव काजोल, मैं यहाँ पे एक चीज हाथरस में भी हमें देखने को मिला, वही मैं यहाँ पे जोड़ना चाह रही थी। बिल्कुल, ये एक तरह से जो आज घटना हुई है वो कहीं ना कहीं हाथरस में जो पिछले साल एक लड़की के साथ रेप हुआ था, उसके बाद जो वहाँ के हालात हुए थे, एक मिलती जुलती घटना दोनों लग रही है। क्योंकि उसके बाद हाथरस में जब कांड हुआ था, उसके बाद वहाँ उस गांव को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया था। कई दिन तक पुलिस फोर्स जो है वहाँ पे तैनात थी और मीडिया से भी परिवार वालों को बात करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि आज जो उन्नाव में केस हुआ है उसके हालात भी जो है, उसकी सिचुएशन भी जो है वो सेम है। छावनी में तब्दील कर दिया गया उस गाँव को और उसके बाद परिवार वालों को जो है किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। हालांकि गांव वाले जो है धरना कर रहे हैं, उसके बाद गांव वालों ने यह भी आरोप लगाया कि परिवार वालों को क्यों किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा। लेकिन काजोल, सवाल यही उठता है कि अगर परिवार ने अपनी 2 बेटियां खो दी, बुआ भतीजी बता रहे थे वो कि जिनकी दोनों की मौत हुई है वो बुआ भतीजी थी, लेकिन ऐसे में अगर उन्होंने अपने बेटियां खोई हैं तो क्यों किसी से नहीं उन्हें मिलने दिया जा रहा, क्यों उन्हें दबाया जा रहा है, क्यों लोगों को उनसे उनके पास नहीं जाने दिया जा रहा? बिल्कुल, और जिस तरह से हत्या का केस दर्ज हुआ है उससे कहीं ना कहीं ये भी पहलू निकल कर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। अगर हम देखें तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी ने खुदकुशी के लिए उन्हें उकसाया हो, या फिर ये ऑनर किलिंग का मामला भी हो सकता है, परिवार कुछ छुपा रहा हो, जिस तरह से परिवार के बयान सामने आ रहे हैं। क्योंकि हाथरस मामले की अगर हम बात करें तो हाथरस में भी परिवार के जो बयान थे वो अलग अलग थे। जब गांव से पूछताछ की गई तो उनके भी बयान अलग थे। हालांकि वो मामले में उस मामले में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि उस मामले में तमाम चीजें निकल कर सामने आई थी, इसमें कुछ अलग चीजें हैं। परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और होनी भी चाहिए सीबीआई जांच, लेकिन पहले जो टीमें गठित करी गई हैं 10 टीमें, उन्हें जांच करने दिया जाना चाहिए। जो रिपोर्ट आए उसके आधार पर फिर सीबीआई को केस ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि अभी जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। पारुल, एक और चीज इस पूरे मामले में निकल कर सामने आ रही है कि जो तीनों बच्चियां हैं वो नाबालिग हैं। अगर वो खुदकुशी जैसा कदम भी उठा रही है तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि हमारा देश का जो भविष्य है, जो नाबालिग बच्चियां हैं वो हमारे देश का आने वाला भविष्य है। क्या हमें हमारा भविष्य अंधकार की तरफ बढ़ रहा है? आखिर क्यों छोटे छोटे उम्र के बच्चे जो हैं वो खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठा देते हैं? ये अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है इस पूरे मामले में। बिल्कुल काजोल, देखिए अगर इन लड़कियों ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, क्योंकि देखिए अब हुआ क्या था वहां पे, क्या खुदकुशी करने की कोशिश की थी या किसी ने उन्हें जहर खिलाया, जहरीला पदार्थ खिलाया? देखिए ये तो जो बच्ची अभी जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है, अगर वो होश में आ पाएगी और वो ठीक हो जाएगी, हम वैसे यही उम्मीद करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी जो है ठीक हो जाए, ताकि वो अपने परिवार को, पुलिस वालों को, अपने घर वालों को इस घटना के बारे में बता पाए कि आखिर हुआ क्या था। कल दोपहर जब वो लड़कियां चारा लेने निकली थी अपने घर से पशुओं के लिए, तो जब वो नहीं लौटी, उसके बाद शाम को परिवार वालों ने जब उनकी खोजबीन की तो उसके बाद तीनों के हाथ बंधे हुए थे और तीनों बड़ी वैसी हालत में मिली थी खेत में। तो उसके बाद देखिए अब वो बच्ची जब होश में आएगी वही बता पाएगी कि ये सिचुएशन क्या थी। अभी ये कहना काजोल बहुत जल्दबाजी होगी हमारे लिए कि जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि हाथ पैर बंधे हुए थे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और इससे पहले जो मैंने सवाल किए थे वो भी अपने आप में लोग पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है, हाथ पैर बंधे हुए थे तो इसके पीछे एक साजिश की भी कहीं ना कहीं। बिल्कुल काजोल, अगर देखिए उन बच्चों के ये अगर सही माना जाए कि हाथ पैर बंधे हुए थे तो कहीं ना कहीं फिर खुदकुशी की तो बात होगी ही नहीं, क्योंकि फिर तो किसी ना किसी ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। तभी अगर लड़कियां खुद सुसाइड करने की कोशिश करेंगी तो वो ऐसे तो है नहीं कि वो खुद ही पहले अपने हाथ पैर बांधेंगी उसके बाद ये एक्शन जो है वो करेंगी। वो तो जाहिर सी बात है, अगर उन लड़कियों के हाथ पैर सच्ची में बंधे मिले थे तो कहीं ना कहीं किसी के शामिल होने की जो है वो इसमें आशंका जरूर होगी, कोई ना कोई इस साजिश में बिल्कुल शामिल होगा। बिल्कुल, और उम्मीद हम करते हैं कि जल्दी जल्द इस पूरे मामले में खुलासा हो जाए। देखिए पारुल, हम आज इस मुद्दे पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की, आइए हम कहेंगे बच्चों की स्थिति जो है वो अब कहीं ना कहीं फिर से खराब होनी शुरू हो गई है। सरकार तो वादे करती है, सरकार ने तमाम तरीके के अभियान भी चलाए हैं और उसका फायदा महिलाओं को हुआ भी है, लेकिन जिस स्तर पर फायदा होना चाहिए उस स्तर पर नहीं हो पाया है। कमी यहाँ पर सिस्टम की हम जरूर कह सकते हैं पारुल कि सिस्टम की कमी है, सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। पुलिस प्रशासन अगर पूरी तरह से तत्पर हो जाए तो इस तरह के मामले रुक सकते हैं। देखिए कल जिस तरह से तत्परता दिखाई परिवार वालों ने, पुलिस ने भी, वो बहुत ही काबिले तारीफ है, लेकिन गनीमत ये है कि अभी तक किसी तरह के कोई दुष्कर्म की या रेप की पुष्टि नहीं हो पाई है। अगर ये मामला होता रेप का या दुष्कर्म का तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, और नाबालिग बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें होती तो ये जो मामला है इस पे बवाल और ज्यादा होता है। क्योंकि विपक्ष को भी मुद्दा चाहिए सरकार पर सवाल उठाने का, अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बच्चों को एयरलिफ्ट कराने की बात हो रही है कि जो बच्ची है उसे एयरलिफ्ट कराकर दिल्ली लाया जाए, लेकिन सरकार ये कहती है कि हमारे प्रदेश में उतनी बेहतर सुविधाएं हैं, मेडिकल सुविधाएं जो हम दे सकते हैं, तो हमें भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल काजोल, भरोसा करना चाहिए। देखिए कोई ना कोई भी घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो या तमाम ऐसी घटनाएं हो, तो विपक्ष जो है उनसे मुद्दा चाहिए ही चाहिए। हालांकि हाथरस की घटना में भी विपक्ष ने जमकर योगी सरकार को घेरा था, और अब इस आज उन्नाव वाली घटना के बाद भी विपक्ष जो है तमाम आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, भीम आर्मी हो, तमाम ऐसे बड़े नेता, बड़ी पार्टियां हैं जो योगी सरकार को घेर रही हैं और एक बार फिर यूपी में कानून व्यवस्था और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। और देखिए लाजमी भी है सवाल खड़े करना, क्योंकि अगर भले ही सरकार तमाम तरह की स्कीम बना दे, 1090 या 112 करके तमाम स्कीम लॉन्च कर दे, उसके बाद भी अगर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो देखिए जाहिर सी बात है महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होंगे। हालांकि काजोल देखिए शहरों में ये घटना कम होने देखने को मिलती है, गाँव में ज्यादा ऐसी मिलती है कि छोटी बच्ची का, नाबालिग बच्ची का शव खेत में मिला या फिर वो किसी तरह वो बेहोश हालत में गाँव में या किसी किसी खेत में मिली है, तो गांव में जो हैं हम कहें पिछड़े वर्ग वाले गांव जो ज़्यादा होते हैं वहाँ ऐसी सिचुएशन या ऐसे हालात जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देखिए पारुल, इस पूरे मामले में ना सबसे जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। बिल्कुल, परिवार वाले लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हत्या का केस आप दर्ज कीजिए, पुलिस ने किया भी। तो इससे कहीं ना कहीं एक शक आ रहा है मन में कि क्या मासूमों की जान ली गई है या खुद उन्होंने जान ली है, क्योंकि इतनी बड़ी वो थी नहीं और हाथ पैर जिस तरह से उनके बंधे हुए थे। देखिए नाबालिग जब हम होते हैं हमारे अंदर इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, लेकिन अगर बात की जाए तो आज का दौर बदला हुआ है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हत्या का अगर केस दर्ज किया गया है इसका मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर है और इसमें खोजबीन भी लगातार चल रही है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि अब तक किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिल पाया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बावजूद भी। बिल्कुल काजोल, देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी जो पहले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें तो सिर्फ जहरीला पदार्थ उनके शरीर में होने की बात कही गई है। हालांकि अब जो उनके जहरीला पदार्थ उनके शरीर में था उसको उसकी भी जांच करी जाएगी, उसको भी लेके जाया जाएगा, पता लगाया जाएगा कि वो किस तरह से उनके शरीर में आया और कौन सा वो जहरीला पदार्थ था, ताकि आगे की जो जाँच होगी। सवाल ये भी है कि इतना समय क्यों लग रहा है, आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? जो प्रक्रिया है, कल की ये घटना है, कल शाम के बाद ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, उसके बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इतना लेट आई, 11 बजे का समय था लेकिन 11 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ पाई, लेट आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसके बाद सैंपल भेजा गया है जो जहरीला पदार्थ था उसका, इतना समय क्यों लग रहा है? क्या इसके पीछे भी कोई वजह हो सकती है? देखिए बिल्कुल बिल्कुल काजोल, ये वजह हो सकती है कुछ ना कुछ, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि क्या वजह होगी, लेकिन जरूर हो सकता है कि हो सकता है इस घटना को या इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही हो या किसी और वजह से इसे जो है ताकि ये लाइमलाइट में ना आए, ये मुद्दा ना उठे, इस वजह से जो है वो देरी की जा रही हो। जैसा आपने सही बताया काजोल कि 11 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी थी लेकिन 1 या 2 बजे का समय था जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया और सिर्फ उसमें यही आया कि जहरीला पदार्थ खाने से बच्चियों की मौत हुई है। हालांकि ये तो परिवार ने खुद भी कह दिया था पहले से कि उन बच्चियों के मुंह से झाग निकले मिले थे। बात ये है कि जो बॉडी थी, बच्चियों की जो बॉडी मिली है, जो बुआ भतीजी बताई जा रही है, जो मृत घोषित की गई थी, उनकी बॉडी पर किसी तरह के कोई चोट के निशान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये यानी जो गुत्थी है ना भी बहुत अनसुलझी हुई है, इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये सुलझ चुकी है। बॉडी पे कोई निशान नहीं है, जहरीला पदार्थ उनकी शरीर में पाया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, लेकिन जो तीसरी बच्ची है जिसका इलाज चल रहा है वो होश में आ जाए, इसकी कामना पूरा देश कराए कि वो होश में आए ताकि ये पता चल सके कि आखिर उन बच्चों के साथ क्या हुआ था। तो ऐसे में लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया भी ये कहता है और ये उम्मीद करता है कि जो भी सच है वो जल्द ही सामने आ जाएगा और पुलिस इस पूरे मामले में निष्पक्ष होकर जांच करेगी और जो इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाएगा पारुल। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जो मासूम है वो जल्दी ठीक हो जाए ताकि जो इस पूरा मामला है इसका खुलासा हो सके और जहरीला पदार्थ उन्हें क्या किसी ने दिया या खुद लिया या फिर ये ऑनर किलिंग है, तमाम चीज़ें जो भी सवाल हैं उनके जवाब मिल सके। तो फिलहाल के लिए इस टॉक शो में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।